reached Goa and it's the first morning. We're living at this lovely property. और यहाँ पे निखिल को और मेरे को पड़ोसन पड़ोसन खेलने का चांस मिल रहा है. Like this is my balcony and that is his. पर शायद वो अभी तक सो रहा है. Hello neighbor. तेरे को ही फोन कर रहा था. ये देख. मैंने बोला पहुँची नहीं. What's up? मैं अभी नींद में हूँ. हाँ. लग रहा हूँ. मैं भी हूँ. Even I am sleepy. You look pretty all the time, yeah. All the time. I don't know how. But I'm not gonna eat today. Okay. I'm oh, I'm here. I'm 14 hours. Actually. How I have missed eating breakfast at hotel. है ना? इतना मजेदार feeling है ये. And I feel like I'm traveling after so long for some reason. जो भी हम लोग इतना travel करते हैं तो भी. Family के साथ तो I'm traveling after very long. But ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग भी बहुत time के बाद travel कर रहे हैं. ऐसा क्यों लग रहा है? ये कर रहे हैं बिकॉज़ traveling after very long. जो मैं करता हूँ करते रहे. मुझे बोला तुम्हारा वेट लॉस का राज क्या है. I laughed so hard this morning जब मैंने इसका व्लॉग देखा. I was like ये क्या है. But you have to dance like this for our wedding. I'm not going to take anything less or more than that. दो तीन महीने का रिहर्सल मिलेगा ना हम लोगों को. इससे वेट लॉस डालो ना से वजन कम होता है. देखो हम आज तक तैयार हो जाएंगे. Property बहुत ज़्यादा beautiful है. I mean it looks so nice. तो आज के लिए हमारा ride है या drive है in the Mercedes. क्या ये? GL 350. बहुत अच्छा है. बैक सीट पे बैठ के इतना अच्छा लग रहा है. बहुत कंफर्टेबल है एक्चुअली. एटलीस्ट फॉर मी इट्स कंफर्टेबल. आई डोंट नो अबाउट निखिल बिकॉज ये बहुत लंबा है. एंड वी आर जस्ट गोइंग फॉर अ नाइस लॉन्ग ड्राइव बिकॉज बाकी तीन लोग मेरी बहन निखिल की मॉम एंड हिज सिस्टर दे आर बिजी डूइंग देयर ओन वर्क. सो लाइक हम बाहर चले जाते हैं. मम्मी एंड डैडी कंफर्टेबल? यस कंफर्टेबल. सारा काम खत्म करने के बाद वी हैव कम अगेन टू द होटल बिकॉज वी आर चेकिंग आउट. एक बॉक्स भूल गए थे ये वाला. और ये बॉक्स का राज अभी नहीं खुलेगा बाद में खुलेगा. क्या बोल रहे हैं? मेरा गिफ्ट है इसमें. तो भाई क्या बोला तूने? क्या है इसमें? चैलेंज इसमें बहुत सुंदर चीज है जो हम आपको कुछ दिनों में बताएंगे बिकॉज ये अगर सामान बता दिया ना हम आपको सब मालूम पड़ जाएगा. सब मालूम पड़ जाएगा. और ये बोल के भी सब मालूम पड़ जाएगा. नहीं क्या मालूम पड़ेगा उनको? क्या मालूम पड़ेगा? गिफ्ट है ये. दिस इज द नेक्स्ट डे. हमने होटल चेंज किया. उसके बाद में द डे टर्न्ड सो हेक्टिक. आई हैव नो आइडिया कि निखिल ने कैसे व्लॉग किया थ्रू आउट द डे. लाइक आई कुड ऑनेस्टली नॉट मैनेज इट एट ऑल. इट वॉज रियली रियली टफ. एंड अभी कल रात में सोचा था कि मैं फाइनली इतने दिनों के बाद सोई हूँ फॉर लाइक गुड 8 आवर्स. आई एम फीलिंग सो फ्रेश. तो अभी हमने बोला कि आज थोड़ा घूमते हैं. गोवा आए बीच गए ही नहीं है. निखिल व्हाट इज इट? ये हमारा नया होटल जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा मेरे वाले व्लॉग में, शानिस के व्लॉग में. ऐसा वाला पार्ट एंजॉय करो जो आपने नहीं देखा. बहुत अच्छा होटल है. दिस हैज अ वेरी नाइस व्यू. लास्ट मिनट पे हमने चेंज किया बट आई थिंक दिस इज रियली नाइस. शानिस को ये वाला पार्ट अच्छा लगा. बहुत शानिस में से लंबी दिख रही है. नीचे उतर. आ गई ना अभी हाइट पे 5'8". ऐसा करे खड़ी रहती है. बोलती है ये वो करके. बट व्यू शायद आई लव द पार्ट सो ग्रीन. बट आई एम वेरी अपसेट विद निखिल्स बिहेवियर टुडे. क्यों? क्या हुआ? बोल क्या हुआ? कंप्लेंट कर ले. क्योंकि हम गोवा आए और फिर से हम बीच नहीं जा रहे. मतलब जब भी निखिल के साथ गोवा आओ तो गोवा वाली कुछ भी अभी चलना है. अभी चलना है. अभी चलना है. अभी चलना है. अभी ऐसे बोल. तो मैं कल से तो बोल रहा हूँ अभी चल अभी चल. मैंने कल भी तेरे को बोला निकल चल. फिर मैं शानिस आज नहीं कल. अभी कल बोलेगा कल. फिर परसों बोलेगा परसों. डिड यू सी व्हाट आई सेड? यहाँ पे रह के अपने घर का काम हैंडल करना इज नेक्स्ट लेवल स्ट्रेस. मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉल आते रहता है कि मैम स्विच क्या करना है, इसका क्या करना है, उसका क्या करना है. तो फुल टाइम आई एम कोऑर्डिनेटिंग थ्रू फोन कॉल्स एंड वीडियो कॉल्स. सो इट्स लाइक बट शानिस इज हैंडलिंग इट सो वेल. अब इसको ही करना था. नहीं निखिल मैं करती हूँ और कर रही है अच्छा. शादी का भी तो हैंडल कर रही हो. कौन सी शादी? निखिल सिर्फ एक ही करता है, ब्लॉगिंग करता. शानिस आई हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रेस. आज मेरा डबल शिफ्ट चालू है. एक मेरा व्लॉग और शानिस का व्लॉग. मेरे निखिल को बिल्कुल भी नहीं बोले मेरा कैमरा पकड़ने के लिए पर वो मेरे हाथ में देता है. मेरा धर्म है ये करना यार. वो मुझे बोलते दूसरा स्ट्रेस टू हैंडल कर, तेरा कैमरा का स्ट्रेस में हैंडल कर. बिकॉज़ इसको क्या, इसको इतने फोन कॉल जाता है, इतनी चीज मैनेज कर रही. मैं बोला इसने मैनेज करा ऑल डे हमारा है ना पूरा. तो मैं बोला तू टेंशन मत, तेरा ब्लॉगिंग का पार्ट मैं हैंडल करता हूं. अच्छी हॉलिडे डील, जितना अच्छा होटल सेलेक्ट करना, सबको मैनेज करना, सब कुछ शानिस ने किया. सब कुछ रिफंड भी लिया इसने. और कैसा रिफंड लिया बताया तूने? मैं बता दूं कल क्या हुआ. अरे वो टेक्निक है. क्या हुआ, कल मसाज दे रहे थे तो इसको फोन आया. तो ये इसने बोला मेरा पैसे नहीं है 25,000 रुपीज़ से. पिक डील
तो रोई और उन्होंने 20,000 रुपीस रिटर्न किए। बट जेनरली रूम बहुत प्रॉब्लम दे रहा था वो सबको, तेरी मम्मी को, बच्चों को, इश्यूज यार, मतलब एक 4 मंथ्स की बेबी है। तो शानिस ने जो टेक्निक फॉलो किया, पहले उसने बोला कि देखो हम लोग ऐसे लेडी है जिसको नहीं जम रहा है, फिर एक बेबी है नहीं जम रहा है, नहीं मर नहीं मर। शानिस ने कहा कि एंड में रो दिया। रियल ए वाला रोना, इट वॉज लाइक क्या करते हो यार, 20,000 रुपीस इज अ 1 मंथ सैलरी, इट्स अ बिग अमाउंट, व्हाई आर यू नॉट रिटर्निंग? नो वन फ्रॉम मेक माय ट्रिप इज वाचिंग दिस, इवन इफ दे आर वाचिंग, आई एम वर्किंग विद जेनुइन ट्रिप, इज अ जेनुइन प्रॉब्लम देयर, आई एम कोलैबोरेटिंग विद मेक माय ट्रिप, सो क्या हुआ, मेक माय ट्रिप इज वंडरफुल, इट्स अ होटल पीपल, मेक माय ट्रिप ने सपोर्ट किया हम लोगों को, पैसा भी वापस किया, एक्चुअली वो होटल वाले भी काफी अच्छे थे, उन्होंने पैसे वापस कर दिए, सब अच्छे थे, लेकिन क्या हुआ कि कभी कभी कुछ कुछ कस्टमर्स होते हैं, गेस्ट होते हैं जो कि जानबूझ के करते हैं, तो उनको वही लग रहा है। आज हम सारे यंगस्टर्स का प्लान बना है कि हम थोड़ा सा गोवा घूमेंगे खुद से, एंड हम लोग को थोड़ा सलोन वलोन भी जाना था, तो वी आर वेटिंग फॉर निकिता, बिकॉज निकिता का ऑनलाइन स्कूल चल रहा है तो वो पढ़ा रही है, तो वी वो लाइक वी वेट 2:30 का उसको खत्म होगा, सो दस 5 मिनट्स रिमेनिंग, तब तक हम यहाँ पे ऐसे टाइम पास कर रहे हैं कॉरिडोर। कितना टाइम लगा है शानिस ने चेंज होने में? 15 मिनट लगा है। नाउ शानिस लुकिंग लाइक 17 ईयर ओल्ड। व्हाट इज नॉट मैचिंग? अरे बट इट्स लुकिंग नाइस। तुम सब लोगों ने मुझे मिसमैच कपड़े पहना दिए, बट अच्छी लग रही है, सच में बहुत अच्छी लग रही है, मैं बोलता भी नहीं। क्या लगता है तुम्हें? ये तेरा चैनल है भाई, पता है मुझे। फाइनली हम बाहर जा रहे हैं अभी। I don't know Nikhil's funda. What is the funda of coming with the full family but roaming only as youngsters? I want to know. Anis wants to know कि what is the funda of coming as a youngsters and getting a family roaming as youngster. देखा जाए family लोग कुछ और करना रहता है, हम लोग कुछ और करना रहता है, तो mixture होता है। हाँ। Best है अपने थोड़ी ना बूढ़े माँ बाबा भाई, लोग young है। Exactly. उन लोगों बोले काम करो आपको, जो मेरी मम्मी को she likes to be in the room. So I took her out, थोड़ा बहुत घुमाया, and she was like, no, I think she went to room with my mom. In the morning, yeah. So she did her job shopping and now she's comfortable in the room with my sister and Myra. एंड इसकी मम्मी आइडिया अभी वापस मार्केट गए, घूम रहे हैं हर चीज़, हम लोग और जा रहे हैं, पंजिम जा रहे हैं, अपना आज सलून करेंगे, तो हम लोग जो करेंगे तो उनको क्या लगे हम फोर्स कर रहे हैं। Exactly. और हम लोग उनके उनके साथ करेंगे तो हम लोग को बोर मारेगा। राइट, तो बेस्ट है यार। कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग नहीं, इट्स वेरी सिंपल, अपना अपना काम करो, खुश रहो। बहुत महंगा दे रहा है ये, बोल रही है बड़ी जगह है, बड़ा पैसा लगाएंगे, सही बोला इसने। वैसे तो पूछेंगे, क्वालिटी मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग को अपॉइंटमेंट नहीं मिला, बट आई थिंक इट्स ऑलवेज गॉड्स प्लान, वी गेट सम अदर प्लेस। एंड शोभित, कैन यू बिलीव दिस सैलून इज बिजी बैक टू बैक बैक टू बैक, और शोभित का हेयर कट अपॉइंटमेंट है, सो वी लाइक इसको छोड़ के चले जाते हैं। टू गेट रेडी फॉर योर वेडिंग एंड लुक गुड। या ऑलरेडी जल्दी को करने का टाइम है। Been to Goa so many times and every time I wanted to come to Thalassa, aaj finally plan ban gaya. All credit goes to Happy. I'm trying to call you, buddy. मुझे धीरे धीरे विश्वास हो रहा है कि निखिल इज मोर लेजियर देन आई एम, बिकॉज निखिल को जहाँ जगह मिले लेटने को वहाँ पे लेट जाता है। मीन इट, आई एम नॉट इवन किडिंग, वेर एवर ही गेट्स प्लेस टू लाई डाउन ही विल लाई डाउन, ही विल स्लीप, ही विल बिकम लाइक अ कीड़ा ऑन द फ्लोर। ऐसा क्या बोलती है, कीड़ा ऑन द फ्लोर? वो थोड़ा थकान हो रही थी यार, बहुत। एवरीबॉडी एंड लुक एट हिम, भूख लगी थी तो खाना और भी अच्छा लगने लगा, एंड निकल ले इतने सारे जूसेस पिए, पर अभी दस जिंजर लेमन हनी टी फॉर मी एंड फॉर निकिता, कुछ बोलो ना। Shy? I was a very bad student, probably that's why. अरे teacher है ना? I was your teacher now, Nikhil Sharma. मेरे जो homework. नहीं करने का जा. ऐसा ही होता है. No, I just stand normally. What are you doing hand up? अरे रुकना भाई, दादा थामना. मैं उधर देख रहा हूँ. हाँ उधर उधर ठीक है. जाओ 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 जाओ. For the first time, I'm facing this bad traffic in Goa. और निखिल बाहर गया, he's trying to solve the traffic. No, you need good. अरे रुक ना दादा, हमेशा वेड़ा है क्या इकड़े? सारे मस्ती मजाक और पूरे दिन गोवा में, एक्चुअली हम इधर से उधर जा रहे थे गाड़ी में, आई एम सो टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। मैंने निखिल को बोला आज आई कैन नॉट गो एनी वेयर आउट, मतलब मैं कहीं पे भी नहीं जा रही, खाना खाने भी नहीं जा रही बाहर मैं, तो हमने आज खाना रूम में मंगा लिया है, और शोभित और हैप्पी भाई भी कहीं बाहर चले गए, और निखिल हैज लाइक लिटरली वर्कड आउट एंड कम बैक टू ईट फूड। क्या और कुछ नहीं था करने के लिए, तो जिम चले गया। वेरी गुड, व्हाट इज रियली पम्प, नाइस। हां
दिस इज लिटरली निखिल्स फेवरेट थिंग टू डू. जब भी मैं उसको देखती हूँ उसका फ्री टाइम रहता तो यही करता है, अपने आप को देख के मिरर में यही करता है. जरूर अबे कितनी मेहनत से बनी है. वेरी गुड. चलो खाना खाए. हाँ चल. निखिल को इतने दिनों से याद दिला रही हूँ कि कल हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शूट है एंड निखिल अपने आप को रेडी कर रहा है ये वर्कआउट वर्कआउट करके एंड मैं खुद अपने आप को कुछ वर्कआउट करके तैयार नहीं कर पाई हूँ. एंड आई डोंट नो व्हाई, जब भी कोई इम्पॉर्टेंट शूट रहता है तभी ये पिंपल कहाँ से आ जाता है यार. मतलब दिमाग खराब चीज़ है. आई हैव टेकन केयर ऑफ माई स्किन, केप्ट इट क्लीन ऑल दिस व्हाइल एंड लास्ट मोमेंट पे दिस कम्स एंड सेज़ हाय हेलो आई एम रेडी टू स्पॉइल योर शूट. ऐसा क्यों? मेकअप है पर आई लाइक टू बी विदाउट इट. तो खाना खा के हो चुका है. खाना वॉज रियली रियली गुड एंड अभी आज जल्दी सोना है बिकॉज कल जल्दी सुबह उठना है बिकॉज कल हम अपना होटल चेकआउट करके वी आर फाइनली गोइंग टू द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ आर ट्रिप. तो सारा सामान पैक करना है, काम भी ख़त्म करना है और हम जिस होटल में रुके हैं सिंक ये वाले होटल में, जब भी रात हो जाती है ना शाम के 9 बजे से म्यूज़िक बजने लगता है. सो बिकॉज यहाँ पे नीचे एक क्लब है सिंक क्लब विच इज़ रियली रियली फेमस फॉर क्लबिंग इन गोवा. तो इतना अच्छा म्यूज़िक बजता है कि सब मन करता है कि आप अपने रूम में ही क्लब कर सकते हो. सो हम मैं और निकिता बोलते हैं अभी थोड़े टाइम के बाद जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा वील पार्टी एंड स्टफ लाइक दैट. सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो. इफ़ यू डिड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू न्यू हियर एंड स्टे ट्यून फॉर द अगला वाला व्लॉग. इट्स गोना बी रियली स्पेशल एंड रियली अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल.